नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यतन बोला और आप देख रहे हैं बोला मैक। आज का जो टॉपिक है कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एक क्यूरियोसिटी भरा टॉपिक है जो कि यूजुअली लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले मैं जा रहा था कहीं, तो मैंने एक आर्मी व्हीकल देखा, उसकी नंबर प्लेट देखी तो बहुत अलग थी। तो मैं सोचने पड़ गया कि ऐसा क्या होता है और ये नंबर प्लेट इसका मतलब क्या है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो स्टडी करके कुछ चीजें मिली हैं तो वो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर तो कर ही सकते हो। Yes, होता क्या है कि जो आर्मी व्हीकल्स होते हैं ये नॉर्मल हमारे वाले जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे होता है उस पर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही रजिस्ट्रेशन करता है। तो इस वजह से इनका नंबर अलग होना ऑब्वियस सी बात है। और एक और चीज़ है कि इनके इनका एक जो आर्मी जो चीज़ होती है, डिफेंस जो चीज़ है, ये एक स्टेट के लिए नहीं है, ये पूरे कंट्री के लिए होती है। तो इनकी वर्किंग कभी यहाँ हो सकती है, कभी पुणे हो सकती है, कभी कहीं हो सकती है। तो इनकी व्हीकल्स को सोचा समझा गया कि ये व्हीकल जरूरी नहीं कि दिल्ली में ही काम करेंगे, यूपी में ही काम करेंगे, कहीं पर एक पर्टिकुलर एरिया नहीं, इनका कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए इनको स्टेट वाइज नहीं किया गया, इनकी नंबर प्लेट अलग बनाई गई। और एक चीज और है कि इनका इन अब क्या है कि नॉर्मल व्हीकल्स हैं, उनको कहीं पे भी रोक के पूछा जा सकता है और उनके अंदर जो जैसा आरटीओ अलाउ करता है वही चीज हो सकती है। मान लीजिए बहुत छोटी सी बात करते हैं कि पेंट है, पेंट जो आर्मी डिफेंस का पेंट होता है वो अलग होता है, नॉर्मल गाड़ियों का वैसा पेंट नहीं हो सकता। तो वो जो आरटीओ ने अलाउ नहीं कर रखा वो इनके लिए भी अलाउड है, तो इसलिए थोड़े से स्पेशल व्हीकल्स होते हैं ये। और मान लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, जो आपने इनके आर्मी वाले ट्रक देखेंगे इनकी ग्राउंड क्लियरेंस कुछ ज्यादा होती है, ऐसे नॉर्मल किसी भी ट्रक में आपको ऐसी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगी, जबकि आप भी अशोक लेलैंड के ट्रक खरीद सकते हो लेकिन आपको इतनी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कभी नहीं मिलेगी क्योंकि ये आर्म्ड व्हीकल्स है, इनका काम वैसा है, उस हिसाब से इनको अलाउ किया गया है। तो इस वजह से इनकी नंबर प्लेट भी अलग होती है। वो जो नंबर प्लेट है वो दर्शाती है कि यार ये गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑन व्हीकल है, किसी इंडिविजुअल ने नहीं खरीदा हुआ और क्या कहते हैं, और उसको कभी किसी स्टेट से एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है तो उसे कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं लेना पड़ता। हाँ थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट इनको मिलता है, ऑब्वियसली मिलना भी चाहिए बिकॉज दे आर द सेफ गार्ड ऑफ आर कंट्री। अब बात करते हैं इनकी नंबर प्लेट होती है, तो नंबर प्लेट पे सबसे पहले आप देखोगे एक एरो बना होता है ऊपर की तरफ, जो एरो बना होता है उस एरो का मतलब है, मतलब वैसे तो ये ब्रिटिश के टाइम पे गाड़ियों में यूज किया करते थे वो, और वो इसलिए दर्शाने के लिए करते थे कि नंबर प्लेट सीधी किस तरह से, मतलब नंबर प्लेट ऐसे लगी हुई है तो वो सीधी इस एरो बना के रखा हुआ कि इस तरह से सीधी नंबर प्लेट है, क्योंकि उस टाइम में कोई फिक्स नहीं हुआ करता था ब्रिटिश के टाइम्स में कि गाड़ी में नंबर प्लेट ऐसी ही लगेगी। मतलब वैसे तो उस टाइम पे गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इस पे एरो बनाया गया कि लोग समझ पाए कि अपवर्ड किस साइड है और किस तरह से पढ़ना है मुझे इसे, और किधर जहां से एरो लगा हुआ उसके बाद ही नंबर प्लेट स्टार्ट होगी। तो इसलिए ये एरो लगा हुआ था, इन्होंने गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसी को रख लिया अपने पास और अडॉप्ट कर लिया उसे, और वो चीज आज भी हम गवर्नमेंट व्हीकल्स में देखते हैं। जरूरी नहीं है कि इन्हीं की बात है, बाकी जो मार्शल्स होते हैं उनकी गाड़ी में एक स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, पता नहीं अलग अलग होते हैं, इन सबके भी अलग अलग सिस्टम है। बाकी एरो के बाद आप देखो कि 08 या 010 या 111220 ऐसे ऐसे करके नंबर लिखे रहते हैं, जो फर्स्ट एरो के बाद जो फर्स्ट टू डिजिट्स होंगे 08, मान लेते 08 लिखा है तो 08 का मतलब है 08 ईयर में 2008 की वो गाड़ी बनी हुई है और 2008 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद से वो उनके पास है। उसके बाद आता है बेस कोड, ए का मतलब हो जाता है कि आर्मर्ड व्हीकल है जिसके अंदर वेपन्स है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। बी का मतलब हो गया कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें कि जैसे ट्रक्स हो गए उसमें लोग जा रहे हैं इधर से उधर कुछ चीजें इधर से उधर ले जाने के लिए। सी का मतलब हो गया टू व्हीलर है, जो मतलब डिफेंस का टू व्हीलर है। तो ये तीन तरह के इसके ग्रेडिंग सी कर रखे है। उसके बाद उसके बाद जो आती है आपके पूरे के पूरा डिजिट का 01120 ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो वो जो होता है वो उस गाड़ी का एक्चुअली सीरियल नंबर होता है कि कौन सा सीरियल नंबर है ये। और उसके बाद लास्ट में W आता है तो चेक कोड होता है, वो मेरे को समझ में नहीं आया कि चेक कोड क्या होता है, मैंने पढ़ा तो लिखा था चेक कोड होता है। तो ये मतलब है इस नंबर प्लेट का, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा ये जान के और शायद आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी समझ में आए कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको बीच में बताया भी था कि जैसे स्टार्स लगे होते हैं किसी किसी गाड़ी के आगे, तो उनकी रैंकिंग के हिसाब से असाइन किए होते हैं कि आप एक स्टार यूज करोगे, आप थ्री स्टार यूज करोगे, आप फोर स्टार यूज करोगे। पीछे का कलर जो होता है, अब आर्मी का कलर अलग होता है, नेवी का अलग होता है, नेवी का नेवी ब्लू यूज करते हैं वो, एयरफोर्स का अलग होता है, इस तरह से सबके कलर्स भी अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे सिर्फ आर्मी के लिए ये चीज इसलिए है क्योंकि और कोई और भी तो गवर्नमेंट के गाड़ियां होती है, जैसे दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हो गई, ये सब भी तो गाड़ियां होती है, लेकिन इनको क्या है कि इनके स्टेट में यूज होनी है ये गाड़ियां, ये स्टेट से बाहर नहीं जा सकती, मतलब जा सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पे जाके काम होगा इनका, ये जाएंगे और वापस आ जाएंगे, इस तरह से होता है।
लेकिन आर्म्ड व्हीकल होते हैं उनको इधर उधर जाना पड़ सकता है, वहीं पे जैसे पोस्टिंग होती है इनकी, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली के ही लोग रहेंगे, तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी है जो दिल्ली में ही रहेगी, तो इसलिए उनके डीएल नंबर ही होते हैं, बाकी इनके लिए कहीं पे भी जा सकते हैं, इसलिए इनके अलग नंबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियोस को देखने के लिए, यूएम वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना है तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।